हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। हैप्पी होली फ्रेंड्स, होली मुबारक हो। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारी वीडियो देखते हैं हमारे फ्रेंड्स, सभी को होली मुबारक हो। और इस होली के पावन पर्व पे मैं अपने इन रोज़ को शेयर कर रही हूँ और आज मैं अपने इंग्लिश रोज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से वो हमारे गार्डन में खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इसलिए से मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं हमारे गार्डन में ये रोज़, और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। इसी से पता चलता है कि आपको हमारा गार्डन पसंद आ रहा है। अभी रोज़ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है, मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है। यहाँ पर डबल डिलाइट है, बहुत ही सुंदरता से इनमें फूल आए हुए हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये हैं इंग्लिश रोज़, यहाँ पर कश्मीरी रोज़ है और कश्मीरी रोज़ में भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही, काफ़ी फूल आए हुए हैं। कुछ तो झड़कर गिर जा रहे हैं और कुछ में बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग चल रही है। यहाँ पर एक पिंक रोज़ है और इसमें भी बहुत सी कलियाँ आई हुई हैं, गुच्छों में ये फ्लावरिंग करते हैं। इंग्लिश रोज़ कम से कम एक हफ्ता फ्लावरिंग इनकी बनी रहती है और उसके बाद ही ये कहीं ख़राब होते हैं। तो ये हमारे गार्डन में काफ़ी दिनों से खिले हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ चल रही है। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने ये इंग्लिश रोज़, इसीलिए से मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो आपके भी गार्डन में इसी तरह से रोज़ खिलते रहेंगे। और हाइब्रिड रोज़ बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पे हैं इस समय हमारे गार्डन में, काफ़ी फूल आ रहे हैं, बड़ों से ये भरा हुआ है। समय समय से मैंने सभी फ्लावर अपने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं और मैं सभी दिखाती रहती हूँ क्या है हमारे गार्डन में और क्या किस तरह से वो चल रहे हैं, कैसे उनकी मैं केयर करती हूँ और किस समय किस हिसाब से इनकी देखभाल करनी है, सब मैंने आप लोगों से वीडियो के थ्रू शेयर किया हुआ है। तो आप हमारे इन गुलाब को देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से इनमें फूल आए हुए हैं। ये पिंक कलर का है और वाइट शेडेड पे है। मैंने इसके फूलों को देखते हुए ही इसे लिया हुआ था और अभी हमारे गार्डन में बहुत अच्छी तरह से फूल आए हुए हैं। आज इसमें तीन फूल आए हुए हैं, दो तो कल फ्लावरिंग किए हैं और आज इनमें एक ये बड आ रहा है, अभी ये खिलने के लिए तैयार है। नीचे यहाँ पर कश्मीरी रोज़ फिर से है और कश्मीरी रोज़ दो प्लांट हैं हमारे पास और दोनों में ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो कश्मीरी रोज़ ला कर लगा सकते हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा फ्लावर आया हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत भी है, क्योंकि मैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके फूलों को देखते हुए ही मैंने ये प्लांट पिछले साल लिया हुआ था और इस समय ये ग्रोथ पे है और काफ़ी सुंदरता से इसमें फूल आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर बटन रोज़ है और बटन रोज़ में कलियाँ भर भर के आई हुई हैं। कुछ रोज़ हमारे अभी खिलकर ख़त्म हो चुके हैं और कुछ में फूल आ रहे हैं, वही सब मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूं। तो अभी आप इन बड़ों को देख सकते हैं, ये बटन रोज़ हैं। यहां पर एक और है ये रोज़, और ये वाइट एंड मरून का शेड है, बहुत ही खूबसूरती से ये गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहे हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे तो पता नहीं चलते हैं कि प्लांट में किस तरह से फूल आएंगे, लेकिन जब फूल आते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट। और अभी आप देख सकते हैं बड़ों से भरा हुआ है, काफ़ी सुंदरता से इनकी ग्रोथ चल रही है। पत्तों के पीछे ये छिपे हुए हैं। यहाँ पर एक और रोज़ है, ये कुछ पीच कलर पे है और बहुत ही सुंदरता से ये हमारे गार्डन में खिला हुआ है। इसको खिले तीन चार दिन हो गए हैं और अभी इसका फूल सेम ताज़ा का ताज़ा ही बना हुआ है। यहाँ पर एक और पिंक रोज़ है जो बड बनी हुई है और खिलने के लिए तैयार है, इसकी कलियाँ आई हुई हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और मैं रोज़ पे जल्दी ही वीडियो एक लाने वाली हूँ। यदि आप भी हाइब्रिड यानी इंग्लिश रोज़ लगाना चाहते हैं तो उसकी केयर किस तरह से करें ताकि उनमें फूल आते रहें। अभी आज होली का दिन है और आप देख सकते हैं इन दिनों हमारे गार्डन में कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है, बहुत अच्छी तरह से फूल आए हुए हैं। जो भी फूल हमारे यहाँ खिले हुए हैं सभी मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं, कुछ अभी ऐसे भी हैं जिनमें फूल ख़त्म हो चुके हैं और मैं उनको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं उन प्लांट्स को दिखाऊँगी। और बड़ों से भरा हुआ है प्लांट हमारा, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है।
मैंने समय समय से इनकी केयर की हुई है। ये फ्लावर काफ़ी बड़ा है मरून कलर का और इसको खिले भी हो गया है, 4-5 दिन हो गया है और अभी ये तरोताज़ा बने हुए हैं। तो इंग्लिश रोज़ यदि आप लगाते हैं अपने गार्डन में तो उनकी इसी तरह से फ्लावरिंग चलती रहती है, बस थोड़ी समय समय से उनकी कुछ केयर करनी पड़ेगी और आपके गार्डन में ये बने रहेंगे। तो आप बताइएगा कि आपको हमारे गार्डन में लगे हुए ये रोज़ प्लांट किस तरह से लगे, अच्छे लगे या नहीं, और इनके फूल कैसे हैं, क्या ग्रोथ इनकी चल रही है, ये सब आप प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।